टूट गया अखिलेश मायावती का महागठबंधन। इसकी अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि अखिलेश का वोट बैंक नहीं गया मायावती के खाते में, या फिर मायावती का वोट बैंक नहीं गया अखिलेश यादव के खाते में। वजह कुछ भी हो, महागठबंधन तो टूट गया। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में लोकसभा चुनाव से पहले हुए गठबंधन का अंत हो गया है। हालांकि इसकी अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मायावती ने साफ कर दिया है कि महागठबंधन यह टूट गया है। मायावती ने कहा है कि 11 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। इससे तो स्थिति साफ हो गई है कि गठबंधन टूट गया है। इस मसले पर अभी सपा की ओर से कोई बयान नहीं आया है, पर आप सभी लोगों को बताते कि इस दौरान मायावती की चालाकी का भी जिक्र आया है। कैसे उन्होंने अखिलेश यादव के खाते में उन सीटों को दे दिया जिस पर उनकी कोई जीत की गुंजाइश नहीं बन रही थी। लखनऊ, गोरखपुर, बनारस जैसी लोकसभा सीटें इसके उदाहरण हैं। गठबंधन को लेकर सपा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुश नहीं थे। अपनी नाराजगी उन्होंने साफ जाहिर कर दी थी। सपा से अलग होकर शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नई पार्टी जिसका नाम है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और उन्होंने अपने उम्मीदवार सभी सीटों पर उतारे। शिवपाल सिंह यादव ने भी इस महागठबंधन का मजाक उड़ाया था। गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र आया, लेकिन यह कहा गया है कि दोनों पार्टियां अब हादसे से उभर चुकी हैं। मंच पर मायावती के साथ मुलायम सिंह और अखिलेश की कई तस्वीर सामने आई। और आप सभी लोगों को एक और बात बताते चले, मायावती ने आगामी उपचुनाव में भी बसपा द्वारा अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की बात कही है, और मायावती भविष्य में गठबंधन नहीं करने का संकेत दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई खबर डालूं आपके पास सबसे पहले बिना किसी रुकावट के पहुंच सके, और आप उस खबर को बिना किसी रुकावट के सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद।